लिखो, साहित्य का कौन सा पक्ष, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थाई होता है, अपेक्षाकृत अस्थाई होता है, अपेक्षाकृत अस्थाई होता है, इस संबंध में लेखक की राय क्या है, इस संबंध में लेखक की राय क्या है। उत्तर लिखिए, साहित्य का वह पक्ष, साहित्य का वह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थाई होता है, अपेक्षाकृत अस्थाई होता है, अपेक्षाकृत अस्थाई जिसमें मनुष्य का, जिसमें मनुष्य का इंद्रिया बोध, इंद्रिया बोध उसकी भावनाएं व्यंजित होती हैं, उसकी भावनाएं व्यंजित होती हैं, इस लेख विषय में लेखक का कहना है, इस विषय में लेखक का कहना है, कि साहित्य की विचारधारा मात्र नहीं है, कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन से, यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है, संबद्ध है, आर्थिक जीवन के अतिरिक्त, आर्थिक जीवन के अतिरिक्त मनुष्य एक प्राणी मात्र रूप में, मनुष्य एक प्राणी मात्र रूप में जीवन बिताता है, जीवन बिताता है, जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है, जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है, जो उसे प्राणी मात्र से जुड़ती है, प्रश्न अगला लिखो, परंपरा के मूल्यांकन में, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का, साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण, विवेक
लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है, क्यों महत्वपूर्ण मानता है। उत्तर लिखो, परंपरा के मूल्यांकन में, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक, साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक, विवेक लेखक इसलिए महत्वपूर्ण मानता है लेखक इसलिए महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि इस विवेक के बिना, क्योंकि इस विवेक के बिना यह जानना मुश्किल हो जाता है, यह जानना मुश्किल हो जाता है कि यह प्रगतिशील साहित्य है या प्रगतिशील साहित्य है या पतनशील वर्ग है या पतनशील वर्ग है। परंपरा के मूल्यांकन, के लिए उस साहित्य का मूल्यांकन करते हैं, के लिए उस साहित्य का मूल्यांकन करते हैं जो वर्गहीन, जो वर्गहीन शोषण मुक्त, शोषण मुक्त समाज की स्थापना करता है, समाज की स्थापना करता है। जो साहित्य समग्र, समग्र कल्याण के लिए रचा जाता है, समग्र कल्याण के लिए रचा जाता है। और इस बात को समझने के लिए, और इस बात को समझने के लिए विवेक का होना आवश्यक है, विवेक का होना आवश्यक है, तभी तभी वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की, तभी वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना हो सकती है।